because it is very famous, right? Instead of wheel, we are using chicken breast. इसको हम flatten करेंगे. Flatten करने के बाद, we will one slice of ham, cheese, roll it, right? अब flatten के लिए, I'm thinking to cut into, slit it nicely. देखो फटे ना बस, ये इतना ध्यान रखना आप. अच्छी ब्रेस्ट होंगी, मेरे पास थोड़ा ब्रेस्ट थोड़ा ऐसी है. अच्छी ब्रेस्ट होंगी तो देखो ये ऑलरेडी क्या है, टूटी हुई है, कोई बात नहीं. ठीक है, राइट. नाउ वन स्लाइस ऑफ हैम एंड चीज. नाउ आई गोना डू रोल इट. फाइन. आप इसको हम क्रम करके चीज थोड़ा ये ड्राई हो गया, बाहर छोड़ दिया आप लोगों ने. ठीक है, वेयर इज एग, कैन आई हैव अ बाउल प्लीज. ओके, सो वी कैन इवन सीजन इट, पर सीजन की जरूरत नहीं. आई फॉरगेट टू टेल यू द मैरिनेशन ऑफ द चिकन. मैंने पहले मैरिनेट किया हुआ था. मैरिनेशन के समय आई हैव एडेड रोजमेरी टू इट एंड मस्टर्ड, थोड़ा सा मस्टर्ड पेस्ट एंड व्हाट एल्स, डीजो मस्टर्ड आई हैव एडेड एंड ऑयल, चॉप गार्लिक, राइट, क्लियर. उसको मैंने हार्डली हाफ एन आवर उसको मैरिनेट कर रखना है, उसके बाद वी स्टार्ट दिस प्रोसेस. इसको हम क्या करेंगे, इसको सेम हम एग में थोड़ा सा डिप कर लेंगे. व्हाई आई एम डूइंग दिस, टू गेट मोर व्हाट, बाइंडिंग, राइट. अब इसको ऐसे ही करके आई विल टेक इट आउट एंड कीप इट हियर. इसको हमें क्या करना है, ग्रिल करेंगे. ग्रिल करने के बाद वी गोना टू बेक इट इन अ ओवन. इंस्टेड ऑफ वेटिंग आई एम डायरेक्टली ग्रिलिंग. हॉट प्लेट नहीं है घर में तो यू कैन यूज तवा और वन. मैं सिर्फ इसका कलर लूंगा. ठीक है, व्हाट वी कॉल इट, व्हाट वी कॉल इट, द प्रोसेस इज सियरिंग. टेम्परेचर थोड़ा कम है, ऐसा नहीं कि वी कैन नॉट कुक इट हियर, वी कैन कुक इट हियर ऑल्सो, बट द प्रॉब्लम वुड बी चिकन आपका बहुत रबड़ी हो जाएगा. वी डोंट वॉन्ट रबड़ी, वी वॉन्ट इट जूसी. मुझे पूरा इसमें कुक नहीं करना, आई कैन कुक इन. अब क्या करेंगे हम, चाहे तो ये तवा ले लेंगे, तवे के ऊपर ये एल्युमिनियम फॉइल से कवर करके सेलेमेंटर ऑन रखो, ऑन है, या फिर आई विल टेक इट आउट इन अ डिफरेंट फाइल हियर. ओके, एंड इसको कवर करके आई विल पुट इन ओवन. ठीक है, हार्डली 10 मिनट बाद ये आपका रेडी है. थैंक यू. आवर कॉर्डन ब्लू इज रेडी, राइट, इट्स हियर. सो आई एम गिविंग बेस ऑफ फफाले, दैट इज व्हाट इज पार्मेसन गार्लिक फफाले, राइट. सो बेड के, बेड क्या हो गया हमारा, पार्मेसन गार्लिक फफाले एंड द मेन कोर्स इज थोड़ा सा हम बड़ा स्लाइस काटेंगे इसका. यू कैन सी चीज इज कमिंग आउट, राइट, रियली हॉट. नाउ आई कैन प्लेट इट. दिस आई जस्ट वांट टू शो यू द cheese and ham inside, right? Yes, sir. Okay. And we have with sauce with it.
पास्ता के ऊपर भी डाल देंगे and you can give roasted beans with it and it's garlic roasted beans right ab isko ek saath khayenge aap and you will enjoy cherry tomato always give the color right So you can see the color combination, right? The calorie proportion. We have the base of pasta this time. We can give even mashed potato also. We can give any potato preparation, any vegetable preparation. Here we consider pasta because it goes well with this. Not only for pale, you can give any pasta. You can give fusilli, you can spaghetti, pane, any, right? And Dijon mustard sauce. Done. Yes, you can see the cheese is coming out, yes, and with the ham. This is the preparation of Lee Cordon Bleu on the bed of Parmesan, garlic, papale with Dijon mustard sauce and roasted green beans. Any doubt? No, chef. Thank you. Thank you, chef.